दाग देने का सोच रही थी। तुमने एक बार भी हमारा नहीं सोचा। तुम जानती हो हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। दुनिया बड़ी खुदगर्ज हो गई, किसी को जीने के लिए रास्ता नहीं देती। यहाँ रास्ता खुद बनाना पड़ता है, तभी मंजिल मिलती है। मेम साहब, मेम साहब आदाब। आदाब बोल रही है? जी तो करता तेरा गला दबा दूं। हमने क्या किया है मेम साहब? सब कुछ तो सही से चल रहा था। नरगिस बीवी जी गोमती नदी में कूदने चली भी गई थी, लेकिन वो तो पुलिस वालों ने आकर बचा लिया। पुलिस थोड़ी देर में नहीं आ सकती थी? थोड़ी देर से पहुंच जाते तो घर में खुशियों की जगह मातम हो रहा होता। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ मेम साहब, हमने तो खम्मन पीर पे जाकर 125 की चादर बोली थी और इस जुमेरात को हम चढ़ाने भी वाले थे, मगर उससे पहले ही नरगिस बीवी जी वापस आ गई। मेम साहब, हमें लगता है आपने जो हमें 125 दिए थे वो, और फकीर को खाना खिलाने के लिए जो 10 रुपए दिए थे वो आपको वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि अब 125 से कुछ भी नहीं हो सकता है और ना ही 10 फकीर को खाना खिलाने से, क्योंकि अब आपको फकीर और चादर दोनों के पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, वो तो हम बढ़ा देंगे, लेकिन हम ये सोच पत्तों कि उसे घर से निकालना कैसे है। मेम साहब, ये मसला तो बहुत बड़ा है, नरगिस बीवी जी को घर से बाहर निकालने का। हमें तो लग रहा है जैसे हम जीती हुई बाजी हार गए हैं। हमारा तो दिमाग हैरान है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। मेम साहब, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ, आप फिर सोचिएगा। तू रहने दे, हमें ही कुछ प्लान बनाना होगा। बुढ़िया ने रो रो के इतनी दुआएं की है कि नरगिस बीवी जी मरते मरते बच गई। अब हम ऐसा वार चलेंगे जो खाली नहीं जाएगा। नरगिस को तो इस घर से निकलना ही होगा, उसे इस घर से निकलने से कोई नहीं रोक सकता। मेम साहब, आपने कुछ सोचा? अभी कहाँ सोचा है, अभी तो सोच रहे हैं। ठीक है, हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं, आप सोचकर बता दीजिएगा। ठीक है, हमें सोचने दो। अहमद भाई ने फोन उठा लिया, अगर हमने फोन उठाया होता तो हम कह देते कि नरगिस नाम की औरत को हम नहीं जानते, वो इस घर में रहती ही नहीं है। अभी थाने से होकर आई है, लेकिन चेहरे पे जरा सी भी शर्म हया नहीं है कि घर छोड़कर भाग गई थी। हम उसे फिर बदनाम कर देंगे ताकि वो दोबारा गोमती नदी में डूबने चली जाए। हम लोगों से कह देंगे कि पता नहीं क्या क्या कर्म करके आई थी जो गोमती नदी में डूबने जा रही थी। ये अहमद भाई भी ना कम नहीं है, अपनी अम्मी और बहन की तो बुराइयां दिखती नहीं उन्हें। हम जरा सी कुछ कहते हैं तकरीरें सुनाने लगते हैं हमें। नरगिस में तो कोई कमी दिखाई नहीं देती उन्हें। मेम साहब, उस दिन अहमद भाई कह रहे थे कि नरगिस के घर छोड़ने की वजह शाकरा है। चुप कर, हमारा नाम लेगी, शर्म नहीं आती तुझे? मेम साहब, मैं नहीं बोल रही थी, वो तो अहमद भाई ले रहे थे। मेम साहब, आपको एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? मेम साहब, इस बार मैं ये मन्नत मानती हूं कि नरगिस बीवी जी खुद ब खुद घर छोड़कर चली जाएं, तो क्या आप हमें सोने के कंगन देंगी? ठीक है, लेकिन अगर नरगिस वापस इस घर में आई ना तो हम तुझे लोहे के कंगन पहना देंगे, यानी हथकड़ियां। नरगिस बेटा, हमारी बच्ची, क्या तुमने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला उठा लिया? मम्मी, हम इस कदर परेशान हो गए थे कि शाकरा भाभी ने आपको हमारे खिलाफ इस कदर भड़का दिया कि आप उनके झूठ को सच समझने लग गई।
हमें पागल समझने लग गई। इस बात का हमें बहुत अफसोस हुआ। हमें ऐसा लगने लगा कि इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, हम अकेले रह गए। हमारे अपने भी हमें बेगाने लगने लगे हैं। कैसी बातें कर रही हो नरगिस? बेटा कभी वालिदैन भी पराए होते हैं? बेटा हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। अब हमें क्या मालूम था कि उसमें चाकरा की साजिश है। मम्मी हम फिर भी घर नहीं छोड़ते, मगर चाकरा भाभी रोजाना सुबह शाम हमें इस कदर सताती रहती थी, उसके बाद भी हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मगर जब उन्होंने हमारे अब्बू का हमें हवाला हमको दिया और अब्बू पे उंगलियां उठने लगी कि तुम्हें ऐसे नहीं सिखाया वैसे नहीं सिखाया, और अब्बू का वास्ता देकर हमें कहा कि ये घर छोड़कर चली जाओ, इतनी तकलीफें हमें उनके जबान से मिली कि हमारे लिए बर्दाश्त से बाहर था। शाकिरा बाबी रोज हमें अपनी बातों से मार रही थी। यकीन मानिए अम्मी, हम रोज मर रहे थे। बोझ तो गमों का था, मगर जिंदगी बोझ की तरह लगने लगी। बेटा हमारी बच्ची, हमारी मासूम कली, बेटा तुम घुट घुट के जीती रही, अपनी माँ को बताया तक नहीं। आपको बताती तो आप क्या कर लेती, सिवाय आपको तकलीफ होती। बेटा हम आबिद से बात करते। आबिद भाई से आप क्या बात करेंगे, वो तो शाकिरा भाभी के गुलाम हो गए हैं। देखो बेटा, ये कदम उठाने से पहले तुमने एक बार भी हमारा नहीं सोचा, बस अपना सोचती रही। बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या करते? हम सर पटक पटक के अपनी जान दे देते। बेटा बेटा तुम्हारा गम बर्दाश्त नहीं कर पाते, और बेटा तुमने एक बार भी उन दो मासूम बच्चों के बारे में नहीं सोचा। तुम उन्हें किसके सहारे छोड़ के जा रही थी? बेटा तुम अकेली नहीं हो। हम मानते हैं हम अकेले नहीं है, मगर उस वक्त हमने ये सोचा यही फैसला हमारे लिए सही है। अम्मी जिंदगी दर्द बन के रह गई है, अब्बू का भी इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के बाद ऐसा लगता है हम बेसहारा हो गए हैं। बेटा बेटा अभी हम जिंदा हैं, हमारी जिंदगी में तुम बेसहारा नहीं हो। तो सुनो बेटा, उस दिन हम शाह नजर नहीं जा पाए। बेटा आज हमारा बहुत दिल कर रहा है कि आज हम मौला अली की दरगाह पे जाएं। चलो बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, मुश्किलें आसान होंगी मुश्किल कुशा के वास्ते। बाहर से होके आएंगे तो दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। ठीक है अम्मी, हम अभी तैयार होकर आते हैं। जाओ। नरगिस, आदाब शाकरा भाभी। नरगिस हमारी बात कान खोल कर सुन लो तुम। क्या? कि जो तुम वापस आ गई हो ना, इसे अपनी जीत मत समझना, ये हार है तुम्हारी। हमारी तुम्हारी जंग अभी खत्म नहीं हुई है। हम भी हारे नहीं हैं,
शाकरा भाभी, हम आपके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार। अगर आप हमारी तरफ ईंट फेंकेंगी तो हम आपकी तरफ पत्थर फेंकने की हिम्मत रखते हैं। हमारे अब्बू ने हमें हर तरह से जीना सिखाया है। हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि आप हमारी भाभी हैं। हम चाहते तो आपको जेल भेज देते। हम पुलिस को कह देते कि हमें मरने के लिए प्रिंसेस शाकरा ने मजबूर किया था, मगर हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम खानदान की इज्जत के लिए खामोश हो गए। आप क्या जाने इज्जत क्या होती है। हम खूब जानते हैं कि इज्जत क्या होती है, इज्जत करना भी और इज्जत करवाना भी। हमारे अब्बू ने हमें एक बात सिखाई कि जो अगर आपसे प्यार से बात करे तो उसे प्यार से समझाए, और अगर आपसे कोई बदतमीजी से बात करे तो उसे पहले सुनो, समझो और उसे उसी के ही लहजे में समझाओ। नरगिस, तुम होश में तो हो क्या, पागल हो गई हो। हम पागल नहीं है, पागल आप हैं। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। नरगिस, अब तुम हद पार कर रही हो। हमने हद पार की और आपने तो हदें पार कर रखी है। नरगिस, एक बात हमारी कान खोलकर सुन लो, इस घर से हम तुम्हें निकलवा के तो रहेंगे, जिंदा या मुर्दा। ये घर हमारे वालिद का है, आपके वालिद का नहीं। आप हमारी शराफत का फायदा ना उठाइए, आप हमें कमजोर ना समझे, और ये हमारी शराफत का ही नतीजा है कि आप अभी जेल में नहीं है। देखो नरगिस, हम कह देते हैं, हमारे वालिद को बीच में मत लाना, ये जंग हमारे और तुम्हारे बीच की है, हमारे वालिद को बीच में मत लाओ। ठीक, आपको जंग लड़ने का इतना ही शौक है तो ये जंग हमारे और आपके बीच में ही रहेगी। हमें मंजूर है। वैसे तो जंग बराबर वाले लोगों के साथ लड़ने में मजा आता है, तुम छोटे लोगों के साथ क्या लड़े। जिसे आप छोटा समझ रही हैं, वो छोटी नहीं है, हम बहुत इज्जतदार लोग हैं। भाभी, आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जब कोई शरीफ आदमी गुंडा बन जाता है तो हर छोटे बड़े गुंडे भाग जाते हैं, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो ऐसे ही बोलता है, हम कभी कोई जंग हारे ही नहीं हैं, और तुम देखना नरगिस, ये जंग भी हम जीतेंगे। भाभी, अब हार बर्दाश्त करने की आदत डाल दो, क्योंकि आप बहुत जल्द हारने वाली हैं। दरिया में डूबने गई थी, वहां से तो बिल्ली शेर बन के आ गई। अब आप जो भी समझे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमें एक सुनाएंगी, हम आपको 10 सुनाएंगे। अब हम आपका लिहाज नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब हम आपका लिहाज नहीं करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। शाकरा, अब आप कब तक ऐसे गुस्सा करेंगी, आके बैठ भी जाओ। क्या करेंगे बैठकर, एक दिन घर के बाहर क्या रही, उसके तो पर निकल आए, गज भर की जुबान हो गई उसकी। हम एक लफ्ज बोलते हैं वो हमें 10 बार सुनाती है, आज तो उसने हद ही कर दी। हमसे कहती है तेरे बाप का घर नहीं हमारे बाप का घर है, आपको मिलजुल कर हमारे साथ रहना होगा, जैसे पानी में नमक।
पहले तो सुबह पे ताला लगाए बैठी रहती थी। हमें तो लगता है किसी गुंडे मवाली से सीख कर आई है। शाकरा, वो बेचारी कहाँ किसी गुंडे मवाली से सीखेगी? अभी उस पे बहुत बड़ा हादसा गुजरा है ना। आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंड हाउ डू यू नो कि वैसा कुछ भी नहीं है? जैसा हम कह रहे हैं ना वैसे ही है। कल तक तो वो नरगिस भीगी बिल्ली बनी फिरती थी, म्याऊं म्याऊं करती थी, अपने कमरे के कोने में बैठी रहती थी, और आज शेर बन के दहाड़ रही है, हमको जवाब देती है, हमें डरा रही है। अरे शाकरा, आपको नरगिस कैसे डरा सकती है? आप तो किसी से नहीं डरती ना। बात तो तुमने एकदम सही कही आबिद, हम किसी से नहीं डरते। एक बात बताओ आबिद, हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं, तुमने एक लफ्ज भी नरगिस के खिलाफ नहीं बोला। मैं क्या कह सकता हूं, और वैसे भी आपके सामने तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है, क्यों? ये बात तो तुम सही कह रहे हो आबिद, किसी की मजाल है जो हमारे सामने कुछ बोले? अरे तो फिर मैं कैसे बोल सकता हूं? शाकरा, आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, ऐसे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। कभी कभी हमसे प्यार के दो मीठे बोल भी बोल लिया कीजिए। आबिद, तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो। एक बात पूछूं आबिद, तुम हमारे दुश्मनों को दुश्मन और हमारे दोस्तों को दोस्त मानते हो ना? हाँ वो तो है। तो हमें नरगिस बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कोई बात नहीं, मगर ये बताइए आपको नरगिस अच्छी क्यों नहीं लगती? आबिद, तुम्हें पता है हम नरगिस के रूम में गए थे उससे उसका हाल चाल पूछने, उसने हमें खरी खोटी सुना दी, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आबिद। अच्छा तो ये बात है, कोई नहीं, उसने आपको खरी खोटी सुना दी तो सुना दी, आप भी तो उसे पागल कहते हैं ना, और पागल समझते भी हैं, क्यों? हाँ आबिद, नरगिस का दिमाग कमजोर तो है, लेकिन आबिद हमने तुमसे कहा था कि अगर नरगिस इस घर में रहेगी तो हम इस घर में नहीं रहेंगे, टिकट करवा के हैदराबाद चले जाएंगे और फिर कभी वापस नहीं आएंगे। शाकरा, अगर आप इस तरह हैदराबाद चले गए तो नरगिस आपको भगौड़ी कहेगी और पूरे लखनऊ में मशहूर कर देगी। अच्छा, वो ऐसा कहेगी हमारे बारे में? आबिद सही कह रहा है, वो कर सकती है। प्रोग्राम कैंसिल। प्रोग्राम कैंसिल? कौन सा प्रोग्राम? हैदराबाद जाने का। आबिद, हम एक और बात तुमसे कहें, ये नसीमा बाजी ना ये भी अच्छी नहीं, नरगिस को पागल करने में इन्हीं का हाथ होगा, वैसे भी वो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है, नरगिस को उन्हीं ने भड़काया होगा। तुमने लाडली भाई को नहीं देखा कैसे उससे डर कर दिलावजा जान के यहाँ बैठे रहते हैं, और वो पूरे घर में अकेले राज करती है। जी बेगम साहब, यहाँ आना। जी आई। जी बेगम साहब, कहाँ थी? हम सिलबट्टे पर मसाला पीस रहे थे। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा ये लो, हम दरगाह से तबरुख लाए हैं और धागा भी। अच्छा सुन, वो शाकरा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा, उसे भी दे देना। जी बेगम साहब, इसमें से एक धागा हम बांध ले। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बांध लेना। बेटा नरगिस, दरगाह से होकर आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल पे जो बोझ था वो सारा हल्का हो गया। हाँ, हमें भी आज वहां से आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा नरगिस, हमने क्या दुआ मांगी? हमने दुआ में मांगा है अब्बा जहाँ कहीं पे भी हो सही सलामत रहे और जल्द से जल्द वापस आ जाए। आमीन आमीन। बेटा हमने भी यही दुआ मांगी कि हमारी बच्ची की हर मुश्किल को दूर करे। मेरे मौला मुश्किल को शाल और उनके सुहाग को हमेशा सलामत रखे। आमीन आमीन। सुमा बेगम साहब, आज रात के खाने में हम क्या बनाएं? नरगिस से पूछ लो, जो ये कहेगी वही पका दो। आपका जो जी चाहे आप हमारे लिए पका लीजिए और शाकरा भाभी से भी पूछ लीजिए कि उन्हें क्या चाहिए। जी बीवी जी। शाकरा भाभी हमारे कमरे में आई थी, जिस लहजे में उन्होंने हमसे बात की हमने भी उसी लहजे में उनको जवाब दिया। अब उनको हर बात का जवाब देने की ताकत रखते हैं हम। ये तुम क्या कह रही हो नरगिस? माशाल्लाह तुम्हें इतना बदलाव तो बहुत अच्छी बात है। बेटा तुम खुश हो ना? हाँ हम खुश हैं। ऐसे ही खुश रहा करो। लेकिन बेटा बहुत अरसा हो गया, अब्बास का ना तो कोई खत आया ना कोई खबर। हाँ अम्मी, हम भी यही सोच सोच के परेशान हैं, पर क्या कर सकते हैं सिवाय सब्र के। बेटा इतना गैर जिम्मेदार तो अब्बास नहीं था। अम्मी आप सही कह रहे हैं, पता नहीं क्यों हमारा दिल ये सोच सोच के घबराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अब्बास किसी मुसीबत में फंस गए हैं, न जाने इस वक्त किस हाल में होंगे वो। अब बेटा वो परदेश में रहता है, वहां अकेला है, अब उसकी खैरियत की मालूमात करें भी तो कैसे। हमने कई खत भेजे हैं। अच्छा किस पते पे? उनके दफ्तर के पते पे और उनके घर के पते पर, कोई जवाब नहीं आया। अरे बेटा तुम्हारी बातें सुनकर तो हमें बहुत घबराहट हो रही है। हम पर क्या गुजर रही है किससे कहे, कौन सुनेगा हमारी फरियाद। अब्बू सुनते थे, अब्बू का इंतकाल हो गया, अब तो बस गम का बोझ तन्हा उठाना है। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? देखो हम हैं, तुम्हारा भाई अहमद है, इतना ख्याल रखता है तुम्हारा, तो तुम अकेली कहाँ हो? नरगिस को घर से बाहर निकाल दो, बड़ी अम्मी को मार डालो और इस पूरे घर पर राज करो। जी आदाब, माफ कीजिएगा हमने आपको पहचाना नहीं। जी मेरा नाम गुलफाम है। जी बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? जी मुझे डिप्टी हैदर अली खान साहब से मिलना है।